नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और डेट थी 10 मार्च और सुबह का टाइम था। ब्रश वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था और इसके बाद फिर जो बेडशीट थी तो उसको मुझे चेंज करनी थी और जो पेपर यहाँ पर रखे थे हुए थे तो उन सभी को मैंने उठा लिया है और जो बेड है तो उसको भी मैं अरेंज कर दूँगी। बेडशीट मैं निकाल दूँगी और फिर जो बेडशीट मुझे चेंज करनी है तो उसको भी मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि अभी सुबह झाड़ू नहीं लगी हुई है, तो इसी टाइम में जो बेडशीट है तो उसको भी चेंज कर दूँगी। फिर बेडशीट भी चेंज हो गई थी और बेडशीट चेंज होने के बाद फिर जो कुशन थे तो उनको भी अरेंज करती जा रही हूँ और जो मैंने पेपर उठाए हैं तो उनको भी मैंने वहाँ से हटा दिया है। और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि जो मैंने फ्रिज कवर धुला हुआ था तो वह अभी सेट नहीं हुआ था, तो जो फ्रिज के ऊपर सामान था तो उस सभी सामान को मैं उठा लूँगी और फिर जो कॉलिन से थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करूँगी क्योंकि अभी कवर बिच जाएगा तो फिर डस्टिंग नहीं हो पाएगी। वैसे तो जो फ्रिज थी तो वह मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी। फिर जो फ्रिज कवर था तो उसको भी मैंने अरेंज कर दिया था और जो फ्रिज के ऊपर जो सामान वगैरह रखा रहता है स्टेबलाइजर वगैरह तो उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और अभी तो घर के सभी लोग सो रहे थे और जो मेरा काम था तो क्लीनिंग का तो वह शुरू हो गया था और जो सामान मैंने उठाया था तो उसको भी मैंने वैसा ही सेट कर दिया था। और आज सोच रहे थे कि जो फ्रिज रखी है तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे पर ये कहीं भी नहीं रख पा रही थी क्योंकि इतना ही स्पेस था। फिर इसके बाद जैसी ही रखी थी फ्रिज तो बस उसको वैसा ही रखा रहने दिया और जो कॉलिन था तो उससे मैंने पोंछ दिया था। फिर इसके बाद जो गैस चूल्हा है तो उसको मैं पोंछ लूँगी और जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद जो दूध मैंने गर्म होने के लिए रखा था और थोड़ी देर में चाय भी बनने के लिए रख दूँगी और साथ साथ जो बर्तन धुले हैं तो उनको भी मैं सेट कर दूँगी। और क्योंकि पार्थ रात में पढ़ाई भी करता है और बीच बीच में शादियाँ भी होती रहती है घर परिवार में तो वहाँ पर भी जाना होता है तो इस वजह से रात में काफ़ी लेट आते हैं लौटकर, तो पार्थ भी आज सो रहा था और उसका एग्ज़ाम आज नहीं था तो मैंने उसको नहीं उठाया था। फिर इसके बाद जो चाय थी तो मैंने बनने रख दी थी और फिर मैं आ गई हूँ उस वाले रूम में और यहाँ पर जो पार्थ का लैपटॉप बैग वगैरह है तो उसको मैं हटा दूँगी और क्योंकि बच्चे अभी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा सामान फैला ही रहता है तो उसको भी मैं उठा लूँगी। और इसके बाद फिर जो सोफ़ा है तो सोफ़ा को भी मैं अरेंज कर लूँगी। फिर सोफ़ा अरेंज करने के बाद फिर जो झाड़ू लगानी है तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। और सभी जगह रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था और फिर इसके बाद पार्थ भी उठ गया था तो पार्थ ब्रश करने चला गया था और जो चाय बन रही थी तो चाय भी बनती जा रही थी। झाड़ू लग गई थी और फिर सभी कमरों में मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और जहाँ पर रूम खाली थे तो वहाँ पर जो बेडशीट वगैरह थी तो वह भी मैंने झड़ा ली थी। और इसके बाद फिर जो बाहर है तो बाहर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी पोर्च में। फिर चाय भी बन गई थी, तब तक तो चाय को मैं छान लूँगी। पार्थ ने ब्रश कर लिया था तो बस मैं और पार्थ हम लोग चाय पियेंगे, हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी और बस मैं और पार्थ हम दोनों चाय पियेंगे। फिर पार्थ पढ़ाई करेगा, फिर मेरे जो और काम हैं तो मैं उनको भी कर लूँगी। और अभी जो सुबह है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस थोड़ा ही टाइम हुआ था और फिर हम लोगों ने चाय पी ली थी। फिर कुछ देर बाद हस्बैंड भी उठ गए थे, फिर जो बेडरूम रह गया था क्योंकि हस्बैंड उठ गए हैं तो फिर बस जो बेडरूम है तो उसको भी मैं अरेंज कर दूँगी। जो बेडशीट है तो वह मैंने जो मैंने ब्लैंकेट है तो उनको फोल्ड कर दिए थे और जो बेडशीट है तो उसको भी मैं झड़ा लूँगी और फिर जो बेड है तो बेड भी अरेंज हो गया था। और जब बेड अरेंज हो जाता है तो जो बेडरूम है तो वह भी अच्छा लगने लगता है। फिर झाड़ू लग गई है और झाड़ू लगने के बाद फिर मैं करूँगी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग और फिर डस्टिंग जो है तो मैं बेडरूम से ही शुरू कर रही हूँ और जो ड्रेसिंग है तो उसका जो मिरर है तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी और
डस्ट तो एक दो दिन में साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि डस्ट आता ही रहता है। और जो सामान रखा हुआ है तो उसको भी मैं सेट करती जाऊँगी, क्योंकि हर दिन जो चीज़ डेली यूज़ होती हैं तो थोड़ी बहुत तो सामान फैल ही जाता है। फिर जो सामान रखा हुआ है तो उसको भी मैं अच्छे से अरेंज करती जा रही हूँ, और जो डस्ट वगैरह है तो उसको भी मैं झड़ाती जा रही हूँ। और फिर जब मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही थी तो पार्थ ने जो फूल बनाए थे पेपर से, तो वह भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये फ्रेंड्स ना पार्थ ने बनाए थे और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो ये फ्लावर है तो फिर मैंने इसको पॉट में रख दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर जो फ्लावर थे तो वह मैंने अरेंज कर दिए हैं, और जो मेरी डस्टिंग थी तो वह भी चलती जा रही है। ड्रेसिंग को मैं सभी जगह से पोंछ लूँगी। और बीच बीच में पार्थ भी बात कर रहा है, हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो वह सभी लोग उठ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हंसना बातें करना ये सब तो हर परिवार में चलता ही रहता है। इसके बाद से जो अलमारी है तो उसके जो उसमें जो मिरर लगे हैं तो उनको भी मैं साफ कर लूँगी। और जब भी मैं मिरर वगैरह कुछ भी साफ़ करती हूँ तो जहाँ जहाँ पर मुझे दिखता जाता है तो मैं सभी जगह अच्छे से डस्टिंग करती जाती हूँ, क्योंकि हम अपने घर से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम अपने जो घर है तो उसको साफ़ सुथरा रखते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि ये साफ़ सुथरा ही रहे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और जो टीवी थी तो टीवी मैंने पोंछ लिया था, और उसके नीचे जो सेल्फ लगा था उसको मैंने पोंछ लिया था, और जो सेंटर टेबल है तो उसको भी मैं पोंछ लूँगी। और पार्थ जो है तो वह अपना पढ़ाई कर रहा था लैपटॉप में, और जो टेबल थी तो वह मैंने साफ कर ली थी, और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग थी तो उसको भी मैं झड़ाती जा रही हूँ। और काफ़ी सारा डस्ट निकलता है हर एक दो दिन में, डस्ट कहाँ से आता है कुछ भी पता नहीं चलता। और बस यहाँ पर मैं और पार्थ बातें करते जा रहे हैं, और साथ और जो मेरा डस्टिंग का काम है तो वह हो चुका था। फिर इसके बाद जो पोछा लगना था तो उसको भी मैं लगाती जाऊँगी। और पहले मैंने किचन में पोछा लगाया था, और किचन में लगाने के बाद फिर मैंने बेडरूम में लगाया, और बस यहाँ से लगाते हुए मैं सभी कमरों में पोछा लगाऊंगी। और फिर इसके बाद जो पोर्च रह जाता है तो उसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी। और जो पार्क का रूम है तो उसको भी मैं अच्छे से पोछा लगाती जा रही हूँ, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई नहीं करते, पोछा नहीं लगाते, तो घर वैसे भी साफ़ नहीं लगता है। फिर इसके बाद पोछा लग गया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में, और जो चाय के बर्तन रखे हुए थे तो उनको मैं धुल लूँगी, क्योंकि हस्बैंड उठ चुके थे तो मैंने उनके लिए भी चाय बनाई थी, तो सारे बर्तन एक साथ मैं उसको धुल भी लूँगी। और फिर जो बर्तन है तो वह भी मेरे धुल गए थे। फिर इसके बाद जो मैं बाकी के काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं कादम्बिनी और अपने डेली ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। और फ्रेंड्स, मैं बस यही बताने वाली थी कि कुछ समय से मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है, चाहे मेरे लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट्स हैं, तो बस वह जो भी होंगे या जो भी होंगी तो मेरे सारे लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं, और मुझे डिमोटिवेट भी भरपूर करने की कोशिश करते हैं। और जब से मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो से लेके तब से लेके आज तक की जो भी मेरे वीडियो हैं, तो मुझे उस सभी में डिमोटिवेट करने की कोशिश करी जा रही है। और मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ तो वह जो भी होंगे तो वह समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और उनको मेरे से क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता। और मेरे जो भी वीडियो हैं तो उनमें मेरी कही गई किसी भी बात से यदि उन्हें दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे ऐसे डिमोटिवेट ना करें।
पता नहीं वे पहचान वाले हैं या अनजाने सब्सक्राइबर है या नॉन सब्सक्राइबर, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे डिमोटिवेट मत कीजिए मुझे, क्या किसी को भी मत ऐसे डिमोटिवेट किया कीजिए। और बस मैं यही कहना चाहती थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज पार्थ बोल रहा था कि वह सैंडविच खाएगा क्योंकि आज तो उसकी छुट्टी है, तो वह घर पर है और जब बच्चे घर में होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही रहता है। तो बस सैंडविच की तैयारी मैं कर लूँगी और जो वेजिटेबल है तो वह मैं काट लूँगी। और वेजिटेबल में मैं काटती हूँ शिमला मिर्च और प्याज, और अगर आपके पास है तो आप गाजर भी इसमें काट सकते हैं, और मेरे पास अभी गाजर नहीं थी तो गाजर मैंने नहीं काटी है। और फिर जो इसके बाद और जो मुझे खीरे के स्लाइस, प्याज के स्लाइस और टमाटर के जो स्लाइस हैं तो सभी मुझे काटने हैं, तो सभी चीज़ों को मैं काट लूँगी। और जो बारीक प्याज था, शिमला मिर्च था, तो वह मैंने काट लिया था, और साथ ही जो हरी मिर्च है तो उसको भी मैं बारीक काट लूँगी। और जैसे ही सारी सब्जियाँ कट जाएंगी तो फिर फटाफट से जो सैंडविच बनाना है तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। सारी सब्जियाँ कटने के बाद फिर जो सैंडविच है तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। और फिर इसके लिए मैंने एक बर्तन में हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च कटी हुई, फिर इसके बाद जो मैंने बारीक शिमला मिर्च काटी थी तो इसको भी मैं डाल लूँगी। और यदि आपके पास गाजर काटी हुई है तो इसी समय गाजर को भी ऐड कर देंगे। मैंने गाजर नहीं डाली है क्योंकि गाजर जो था तो मेरे पास नहीं था। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था तो उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। और फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, और इसके बाद डाला था मैंने बारीक कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके बाद मैंने डाला था 4 बड़े चम्मच मेयोनीज, बेज मेयोनीज, और इससे ना काफ़ी अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आता है। और मैंने इसमें 4 चम्मच मेयोनीज भी डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो गया, और फिर इसके बाद जो सैंडविच है तो उसकी तैयारी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद जो ब्रेड स्लाइस है तो मैंने वह ले लिया था, आप चाहे तो इसमें वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, किसी भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्रेड स्लाइस पर मैंने जो मिक्सचर अभी बनाया था मेयोनीज वाला और वेजिटेबल वाला, तो उसको अच्छे से मैं फैला लूँगी और इसको अच्छे से चारों तरफ एक साथ फैला लूँगी। फिर इसके बाद जो दूसरा ब्रेड स्लाइस है तो उसको भी मैं ले लूँगी, और फिर उसमें मैं लगाऊँगी टोमेटो केचप, और इसको भी मैं अच्छे से फैला लूँगी। और फिर इसके बाद जो वेजिटेबल काटी हुई हैं तो उनको भी मैं लगा दूँगी, और जो मैंने खीरा और टमाटर और जो मैंने प्याज का स्लाइस काटा हुआ था तो सभी को मैं इसमें लगा दूँगी। और जो ये वाला सैंडविच होता है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और हमारे घर पे तो सभी को पसंद आता है। फिर इसके बाद मैंने प्याज के स्लाइस भी लगा दिए थे, और जो खीरा था सुबह मैंने लगा दिया था, साथ ही में जो टमाटर के स्लाइस काटे हुए थे तो उनको भी मैं लगा दूँगी। फिर इसके बाद जो मेयोनीज वाला स्लाइस है तो उसके ऊपर जो टमाटर वाला स्लाइस है तो उसको रख देंगे। फिर उन स्लाइस के ऊपर मैंने डाला था इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक, और मैंने इसमें एक चुटकी नमक डाला था। फिर इसके बाद जो मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ था तो उसको भी मैंने ग्रेट कर दिया था, और यदि आपके पास चीज़ स्लाइस है तो उसको भी डाल सकते हैं, और यदि नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर जो पिज़्ज़ा वाला ब्रेड का स्लाइस था तो उस पर मैंने लगाया था बटर, और बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। फिर बटर लगाने के बाद फिर जो प्लेन वाला स्लाइस है तो उसको, जो टमाटर वाला स्लाइस है उसके ऊपर रख देंगे, और फिर जो तवा है तो तवे को मैं गर्म कर लूँगी, और इस पर मैंने बटर लगाया हुआ है, और मैंने इसमें थोड़ा सा ही बटर लगाया है, और जो
तवे पर मैंने सैंडविच को रख दिया था और प्लेट और ऊपर से अदरक कूटने की जो कूटनी थी तो उसको रख दिया था, जिससे कि जो ब्रेड स्लाइस है तो थोड़ा सा दब जाए और अच्छे से जो सैंडविच है तो वह सेट हो जाए। और इसको पलटने से पहले ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा और बटर लगा दूंगी ताकि जो दूसरे साइड है तो वह भी अच्छा क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद मैं इसको पलट दूंगी और अब इसको कवर नहीं करना है, बस ऐसे ही धीमी आंच पर इसको मैं सेक लूंगी। और फिर यह जल्दी ही सेक गया था और ये काफ़ी क्रिस्पी था और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। फिर जो सैंडविच था तो वह बन गया था। फिर मैं इसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद फिर मैं पार्ट्स को भी दे दूँगी। और मैंने जो है तो 3 सैंडविच बनाए हुए थे। फिर पार्थ ने सैंडविच खा लिया था। फिर मैं किचन में कर लूँगी अब खाने की तैयारी, क्योंकि अब हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो रहा है तो उसके पहले मुझे खाना भी बनाना है। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि पार्थ ने सैंडविच खा लिया है तो अब वह दाल चावल भी आसानी से खा लेगा। और दाल चावल मेरा बन गया था और जो बूंदी का रायता है वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। और जो बूंदी का रायता है तो वह मैं बना रही हूँ मीठी वाली दही से। दही को मैंने फेंट लिया था और उसमें मैंने डाला था हल्दी पाउडर, नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च पाउडर और उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का भी लगा लूँगी। और तड़के में मैंने डाला था थोड़ी सी हींग, मेथी, राई, जीरा और थोड़ा सा लहसुन, बस इतनी चीज़ें डाली थी। और जो तड़का था तो वह मैंने लगा दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है और मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली हुई थी। और फिर इसके बाद मैं रोटियाँ भी बना लूँगी और रोटियाँ बनाने के बाद फिर हस्बैंड को खाना भी दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। फिर इसके बाद मैंने थाली लगा ली थी और खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, बूंदी का रायता, रोटियाँ। और फिर हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था। और फिर इसके बाद खाना खाने के बाद वह ऑफिस भी चले जाएंगे। फिर जो मेरे बर्तन धुलने थे तो बर्तन भी मैंने धो लिए थे और बर्तन धुलने के साथ साथ मेरी जो किचन क्लीनिंग थी तो वह भी हो गई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, आपके जो लाइक कमेंट्स होते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।